अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं उताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। आज वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था और जश्न क्रिकेट की आखिरी एपिसोड। आज पाकिस्तान फाइनल्स खेला वर्ल्ड कप T20 का मुइन भाई, और हम हार गए, लेकिन ऐसे हारे जिस तरह लगा कि हमने लड़के हारे। आज हम बहुत अच्छा खेले, कम स्कोर था, उसके बावजूद हमने भरपूर लड़ाई लड़ी, और हारने के बाद भी हमें ऐसा दुख महसूस नहीं हो रहा जो अगर इंडिया फाइनल में आ जाती और हम हार जाते तो खुदा ना खास्ता जो महसूस होता। लेकिन एक बार फिर रिमाइंड कराता चलूं, ये जख्मों पे नमक छिड़कना मेरी आदत सी है कि इंडिया को इंग्लैंड ने 10 विकेटों से वाइजन हराया, 10 विकेट। ये बात आपने भूलनी नहीं अगले वर्ल्ड कप तक। चलता हूं, इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने खूबसूरत पैनल को। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के कप्तान मर्दे बोरान सोहेल खान, ओ सॉरी मुइन खान। थैंक यू दानिश, आज बदला लेने का मूड था। कैसे मुइन भाई? फाइन थैंक यू। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने फाइट और सीरियसली ग्रेसफुली आ रहे हैं, अगर मैच आ रहे They fought well, ऐसे और मजा आया, बिल्कुल बहुत अच्छा। अब दूसरे जानिब मेरे साथ मौजूद है आदमी हसीन, पाकिस्तानी मुमताज ऑलराउंडर और आदमी हसीन, इमाद वसीम। अस्सलाम वालेकुम इमाद, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे लग रहे हैं इमाद। थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने कहा मैं लुक चेंज करके शायद फिर से टीम में, शायद इस बिना पे ले लें। इन दोनों के दरमियान मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे प्लेयर जिन्होंने चकाई बड़े बड़े प्लेयर्स को खाक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक। कैसे अब्दुल रज़ाक भाई? जी थैंक यू वेरी मच, शुक्र है आपने मेरा नाम सही लिया है। तो मुझे भी लग रहा है मैं इमरान हाशमी से सर शो आते जंग भाई, ऐसी हिस्ट्री है कि मुझे रोज दानिश नहीं, आपने सोहेल खान कह दिया मोइन खान को, तो मैंने फिर आपको कहना मैं रोजाना इसको दानिश कह रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा ये दानिश है मान नहीं रहा। अच्छा, वो मुझे दानिश कहते हैं रोज, तो आज मैंने पहली बार गुस्ताखी से उनको सोहेल खान कहा, वरना मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। अच्छा, कैसे हैं अब्दुल रज़ाक भाई? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है, ठीक है, खुश हैं। आज देखा मैच आपने? नहीं देखा आपने, सही किया। अच्छा मुइन भाई, जश्न क्रिकेट पर जितने भी गेस्ट आए हमने उनका इंट्रोडक्शन आज जैसे आपने देखा इसी तरह करवाया, हमने कंपाइलेशन बनाई है मुइन भाई, जितने भी गेस्ट आए थे उनके इंट्रोडक्शन किस तरह हुए, आइए देखते हैं प्लीज। कप्तान मर्दे बुरान मुइन खान, मुइन भाई कैसे हैं? फाइन थैंक यू दानिश, एज यूजुअल। दानिश नहीं ताबिश कहते हैं आजकल मुझे। मेरे साथ मौजूद दूसरे हाथ पर पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर और आदमी हसीन इमाद वसीम, मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक अजीम फास्ट बॉलर, बॉल नीली हो या सफेद आखिर जावेद चुरा लेती हैं लोगों का चैन। दो लेकर आई हैं दो खूबसूरत नैन, मेरे साथ मौजूद उर्वा हुसैन, कैसी हो उर्वा? गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम, दिल से मानते हैं खान साहब को अपना कायद। मेरे पास मौजूद है हारून शाहिद, कैसे हैं हारून? टैलेंट का है तूफान, मेरे साथ मौजूद अमर खान, कैसी हैं अमर? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? एक फिल्म स्टार, ड्रामा एक्टर, क्रिकेट से भी है करीब, नुमान हबीब, कैसे नुमान? मैं बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं नुमान। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, कुबरा खान, कैसी हैं कुबरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। एक ऐसे शख्स जो फिल्म में बना बना कर करवा रहे हैं पाकिस्तान का माफ कर्जा, मेरे साथ मौजूद है मोहित मिर्जा। कैसे कैसे मोहित भाई? बहुत बुरे यार। बन के आई है पाइन एपल शेख, मेरे साथ मौजूद है नताशा बेग, कैसी है नताशा? बहुत सारे लोगों का आसरा, नहीं आसरा नहीं क्या था, हाँ बहुत सारे लोगों की आस, मेहमान हमारी खास आमना इलियास, कैसी हैं आप? देखिए अभी में गरम गरम हम ना हो हमारे बाद हिना अल्ताफ कैसी हैं ना? अच्छा उनको अभी भी टॉप पे रखा हुआ है, हल्का नहीं आ रहा। मैं आप बहुत, मैं बचा के रखूंगा। रज़ाक भाई आज के मैच का थोड़ा डिस्कशन हो जाए, इंग्लैंड ने टॉस जीता, क्या कह रहे हैं? आज का इंग्लैंड ने टॉस जीता, बॉलिंग कराई, क्या पिच कंडीशंस ऐसी थी कि उस पर पहले बॉलिंग ही कराई जाती, अगर पाकिस्तान जीतता तो बॉलिंग ही कराता, क्या था? अरे डेफिनेटली ओवरकास्ट कंडीशन थी, हमने पहले भी दो दिन से कह रहे हैं कि टॉस का बड़ा एज होगा, क्योंकि थ्रू आउट हम देखते आ रहे हैं पिछले दो तीन सालों से, अगर हम अपनी PSL की बात करें तो यहाँ भी टॉस बड़ा क्रूशियल हो रहा है, क्योंकि टॉस में ये होता है कि आपके पास राइट चॉइस आ जाती है, आपने बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है, तो वो आपके पास ऑप्शन होती है। तो सेम देख रहे इंग्लैंड ने भी जरा देरी लगाई टॉस जीता, उसके हम बोलता थे मुइन भाई टॉस की बात की राज भाई ने, ये बताइए कि अब जब इतना आउट इन दी ओपन है कि यार जो टॉस जीतता है वो मैच भी जीत जाते हैं, और ये होता चला आ रहा है, अब ये कम इस पर वो बन सकता है, रिजल्ट निकल सकता है कि हाँ यार टॉस बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या अब टॉस के बारे में सोचना चाहिए ICC को कि नए तरीके से हो? देखिए आज आकेब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमने कहीं इंटरटेनमेंट फ्रॉम द बैटिंग साइड नहीं देखी, सारे बैट्समैन जो थे वो एक्सपोज हुए पूरे टूर्नामेंट में, तो ऐसे ICC को चाहिए एक तो वो सीज़न देखा करें कि जब ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई अगला इवेंट आए तो उस वक्त होना चाहिए जब वो प्रॉपर समर हो, उसमें यू नो पिचेस थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं, कंडीशन अच्छी होती है, बिकॉज T20 इज लाइक कि आपको इंटरटेनमेंट चाहिए यू नो, और अगर पिच ड्राई होगी
अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट बहुत होगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं पहुँचूंगा इमाद वसीम के पास। इमाद, सैम करन इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं इस टूर्नामेंट के, वो मेरे ख्याल से स्टार थे, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, मैन ऑफ द मैच थे आज। क्या कहना चाहेंगे उनकी बॉलिंग में, ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमारे बॉलर फेस कर रहे हैं? लोग, उसकी गेम अवेयरनेस बाकी क्रिकेटर से ज़्यादा अच्छी है। उसकी पेस नहीं है, लेकिन उसके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। फील्ड को यूज़ करता है, वो ब्लफ भी करता है, जिस तरह हमने एक मैच में बात की थी कि वो ब्लफ भी कर सकता है फील्ड ऊपर रख के। तो आज जो इंग्लैंड ने बॉलिंग की, वो कंडीशंस को यूज़ किया है। कोई यॉर्कर्स नहीं मारे उन्होंने लेंथ बॉल की, स्लो बॉल की और पीछे बॉल की लेंथ को, तो हार्ड लेंथ जिसे हम कहते हैं क्रिकेट में, आउट बाउंसेस भी मारे, तो वो उन्होंने पूरा यूटिलाइज़ किया है बड़ी बाउंड्रीज को साइड पे, और विकेट उन्होंने चेक कर ली थी, एसेस कर ली थी। तो गेम अवेयरनेस में बहुत ज़रूरी थी आज इंग्लैंड ने, आप दिखाया। आप देखें, क्रिस जॉर्डन जो है वो हमेशा यॉर्कर मारते हैं बहुत अच्छे, उन्होंने आज एक बॉल यॉर्कर ट्राई नहीं की। उन्होंने कहा नहीं है, लेंथ बॉल वर्क करा तो लेंथ बॉल वर्क करना चाहिए। तो हमने जो बॉलिंग हमारी है पूरी टूर्नामेंट में टॉप क्लास बॉलिंग, इससे अच्छा आप कर नहीं सकते थे। तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग ने जो है आज डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि हर मैच में अंडर पार स्कोर किया उन्होंने। अनुराग भाई, 2009 के वर्ल्ड कप में आपके 2 ओवर बच गए थे, वो अभी बचे हुए, उनसे प्रॉफिट आ रहे हैं। लेकिन बॉल करते हुए गिर गए थे सर, तो संभले हुए रखे हैं किसी, आपने फिर मेरे पीछे बढ़वाना है। मैं से ये पूछना चाह रहा था, आज बेचारे नवाज के साथ ही हुआ, उनके ओवर बचे रह गए, उनसे बॉलिंग नहीं कराई, वो नवाज के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये टेक्टिकल एरर था, बनता ही नहीं था, क्या था कि नवाज को बनी? मिस्टेक हुई है, मिस्टेक होती है तो मैच हारते हैं। अगर आप देखा जाए थ्रू आउट मैच, जब हमारे पास पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई है तो हमने 12, 13, 14, 15 ओवर बड़ा डोमिनेट किया है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और मोमेंटम पाकिस्तान की फेवर में आ गया। कॉम्प्लेक्शन जो मैच चेंज हुआ है, वो जब शाहीन अफरीदी अनफिट हुए हैं तो एक सडन देखें तो जो सारा प्रेशर क्रिएट किया हुआ था 13, 14, 15 ओवरों से, वो एकदम से रिलीज हो गया। वो स्पिनर लेके आए, एक तो वो बड़ी मिस्टेक थी, वहाँ पर स्पिनर ही बनता था, क्योंकि अवेयरनेस यही होती है, जैसे माद ने कहा कि पिच की अवेयरनेस के साथ बॉलिंग करनी चाहिए, जैसे जॉर्डन ने बॉलिंग की है। तो यहाँ पे अगर वसीम आते तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए, और फिर आपके पास चॉइस थी जो एक विकेट पर मिलनी थी, उसके बाद आपके पास ओपन हो जाता था। मुहिम भाई, 92 से काफ़ी मुशाबहत रही इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी की, आज जो मिसिंग एलिमेंट था मेरे ख्याल से वसीम अकरम की, वो 2 बॉलें थी, वो भी और रमज़ान भी, और रमज़ान भी नहीं थे। और एक और इतफाक ऐसा था कि उस ज़माने में नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे तो ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आ गई, अभी इंग्लैंड में है तो वो ट्रॉफी इंग्लैंड के साथ चली गई। बताया है, लोग नवाज के पीछे लगे बॉलिंग भी नहीं करा रहे। अच्छा, अब ऐसा है मुंबई के, एक सवाल है आपसे। नहीं ताबिश, आप रुक जाए, मुंबई रोज ही हमसे सवाल करते हैं, आज आप, आज हमने एक बंदा बुलाया जो इनसे सवाल करे। जरूर, पेशे खिदमत है ताबिश हाशमी 2.0। वाह वाह, 2.0, क्या बात है, मदद बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है? जश्न क्रिकेट, थोड़ी देर रात पाकिस्तान मैच तो हार गया लेकिन दिल जीत गया इंग्लैंड हमारा, क्योंकि उसने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी। तो मैं फजल आजाद भारत को, जब तक मैं जिंदा हूं, जख्मों पे नमक में छिड़कता रहूंगा। फजल आजाद, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बकायदा आगाज करूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूं। मेरा ताल्लुक कराची के साथ है, और कराची से मैं फिर पैसे कमाने के लिए कनाडा गया, और कनाडा में फिर मतीरा ने मुझे हिट करवा दिया, वहां से मैं मजीद पैसे कमाने के लिए लाहौर आ गया, और लाहौर जब मैं आया तो मेरी जरूरियात पूरी नहीं हुई, फिर मैंने इतने इश्तेहार करने शुरू कर दिए कि मुझे समझ में नहीं आई। और अगर मेरी जरूरियात अब भी पूरी ना हुई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले साल के वर्ल्ड कप के अंदर आप मुझे चीयर लीडर बन के छक्के चौके के ऊपर रक्स करता हुआ देखेंगे। जितने मेहमान आते हैं तौफीक, कोई इसमें 1000 रुपया डाल देता है, कोई इसमें 5000 रुपया डाल देता है। क्यों? ये वो पैसे हैं जिनसे होता है मेरा आना जाना, इससे मेरा होता है दोपहर का खाना, और इससे मैं खरीदता हूं साबुन, फिर मेरा होता है नहाना। हज़रत, ये वाली बातें हम करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। अपने खूबसूरत पैरों के साथ आपका तारुफ करवाता हूं। हज़रत, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्या बात है उनकी, यानी कि सब जानते हैं मैं हूं आपका मेजबान, खाता हूं हलीम और नान। हमारे साथ मौजूद है मर्द बहरान बैंडो।
हमारे दूसरे मेहमान है हमारे साथ, जो दूसरे मेहमान है वो जिनकी मोहल्लेदार है मिस नौशीन, बातें करते हैं बड़ी नमकीन बंदे हसीन इमाद वसीर। आगे चलते हैं और अपने प्रोग्राम का पकायदा हल करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि ताबिश हाशमी और इमरान हाशमी में कोई फर्क नहीं? तो इसका जवाब है 100% लोग। एक की हरकतें गंदी हैं तो दूसरे की बातें। अच्छा दूसरा सवाल, कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि ताबिश हाशमी बड़े होके सिकंदर बख्त बनेंगे और सिकंदर बख्त नाड़ा पानी? तो इसका जवाब सिकंदर बख्त खुद देंगे ताबिश हाशमी को आकर। अच्छा तीसरा सवाल, कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि इमाद वसीम अगर बाल खोल लें तो ये कटरीना कैफ लगेंगे, करीना कपूर लगेंगे या फिर क्रिस गेल की मंगेतर? मेरा ख्याल है इसका जवाब भी क्रिस गेल खुद देंगे। हो सकता है ऐसे ही दें जैसे पांडे ने 3 छक्के मार के दिए थे, इधर हो सकता है ये जवाब। कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि अगर मोइन खान इसी टीम के कोच होते तो आज पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हो सकता था? तो इसका जवाब है 0% लोग, क्योंकि टीम कैचेस से नहीं कैचेस से जीती है, इसीलिए कहते हैं कैचेस विन मैचेस। विन बाय रिवायती सवाल है, विन बाय रिवायती सवाल। कैमरा मेरे ऊपर। बोन भाई एनी क्वेश्चन बोन भाई। हाँ दानिश, बिल्कुल मुझे कुछ सवाल आ रहा है। मालिश, मेरा नाम मालिश है जी, करवाइए।11:55 मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपने हरगिज वो नहीं कर रहा जो आपके माइंड में है। आप कुछ मत कीजिए और सो जाइए, इसलिए कि आपने सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है और दोबारा आपने रोना है क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार चुका है। भाई इससे पहले कि इनकी परफॉर्मेंस देखकर मेरी रूह चली जाए, कादिर हज़रत ये थे ताबिश हाशमी। वेल डन अली भाई, वेल डन। अच्छा भाई, अब अली भाई हमारे साथ पूरे टूर्नामेंट रहे ऑलमोस्ट, तो अब वक्त आ चुका है कि अली भाई की एक कंपाइलेशन देखें। भाई अली भाई की कंपाइलेशन देखें। आपकी भरपूर तालियों में रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब हैं अख्तर। शोएब क्या देख लिया आपने, ऐसा क्या देख लिया आपने? ताबिश हाशमी इमरान हाशमी का पाकिस्तानी वर्जन है, मगर बेकार पड़े मेरे होंठ तो यार। एक की हरकतें गंदी है और दूसरे की बातें गंदी है। ये मुझे बताएं, आपको ताबिश हाशमी पसंद है या इमरान हाशमी? मुझे शाहजी पसंद है, ये नौशीन शाहजी। नो वन इज कमिंग डाउन द फ्लैग दैट अप एंड अप फॉर द चैंपियन। बैठ लो मोइन खड़ा नहीं होना, तुम्हें तो बैठने की आदत है, विकेट के पीछे भी बैठते रहे हो, तुम तो बैटिंग भी बैठ के करते थे और बैठ के बातें करने। जावेद भाई आपने हमेशा कोशिश यही की कि मैं बैठा रहूं। तुमको जोड़ों का दर्द, तुम मेरे जोड़ों के दर्द की तरह मेरे घुटनों में बैठे रहे हो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मोइनी आप बोल ना सखी बॉय, खींच के रख, अंदर डाल नहीं नहीं खींच के शाबाश सखी बॉय। अच्छा मुझे भाई, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली अजमत। अरे गुड रे बाप बताऊं, जज्बा जुनून द वैंक पाउ बबो बैंक पाउ बबो बैंक पाउ बबो बैंक पाउ। बहुत नवजोत सिंह सिद्धू। ये थे अली मीर, जो एक लेजेंड है मोइन भाई, नो डाउट। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है अली भाई को और वो सच्चा हम्बल पर्सन, सच्चा हम्बल पर्सन, वेरी वेरी हम्बल पर्सन। यस बट अली भाई ऐसी ना किया करो कि मुझे अपनी नौकरी खतरे में लगने लगी। मोइन भाई वक्त आ चुका है कि 500 की दौड़ खेला जाए,
आप, मैं समझ सकता हूं कि इतनी लीड भर चुकी है कि आप आज नौमीदी का शिकार होंगे, तो मैंने मुइन भाई एक ट्विस्ट लेकर आए होंगे। अच्छा, इसको बताओ बेचारा, बहुत परेशान है। मुझे बता दिए, मेरा दिल जो है ना बंद कर। आज जो है ना, मैं एक प्रोपोजिशन मार्केट में रखना चाहता हूँ, क्योंकि रजाक भाई के साथ हम खेल रहे हैं। रजाक भाई 500 की दौड़ एक गेम है, अभी आपको बताता हूँ। इन दोनों का मुकाबला भी चल रहा है, जो इस मुकाबले को जीत जाएगा उसको आईफोन 14 मैक्स प्रो मिलने वाला है। बहुत महंगा फोन है, 5 GB। तो ऐसा है मुइन भाई, आज मैं सोचना चाह रहा था कि जो क्या ऐसा हो सकता है, इमाद अगर अग्री करें कि जो आज का मुकाबला जीत जाए वो डिसएग्री। यार कोई स्प्रेड नहीं है यंगस्टर्स में आजकल के, पता नहीं क्या हो गया। पब्लिक कह रही है, पब्लिक पीछे से कह रही है कोई जरूरत नहीं अग्रीमेंट लेने की, शुरू कर। जैसा आप लोग बेहतर समझे, मुझे कोई मसला नहीं, जैसा बेहतर समझे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं आज भी आ रहूंगा। नहीं मुइन भाई, हाँ अच्छा ऐसा है मुइन भाई, आज हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मेरे पास सवाल बाकी में नहीं लिखे, जवाब ठीक है। आज हम साथ खेलेंगे। रजाक भाई गेम ऐसा है, आपसे सर्वे के सवाल पूछे जाएंगे, आपने परसेंटेजेस में जवाब देना है। बहुत आसान गेम है, समझ में आ जाएगा। पहला सवाल, कितने फीसद लोग बिरयानी में लेग पीस से ज्यादा चेस्ट पीस पसंद करते हैं? 60% है, बिरयानी का सवाल है। हाँ, कितने फीसद लोग लेग से ज्यादा चेस्ट पीस पसंद करते हैं? 60% लोग बिरयानी में लेग से ज्यादा चेस्ट पीस पसंद करते हैं। मुझे बेसिकली लेग पीस पसंद है, जूसी ज्यादा होता है वो, चेस्ट पीस ड्राई गोश्त होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। मुइन भाई 30% लोग बिरयानी में लेग चेस्ट पीस पसंद करते हैं, लेग से ज्यादा चेस्ट। चेस्ट कम लोग पसंद करते होंगे ना मुइन भाई, लेग पीस ज्यादा पसंद करते हैं। अब मेरे पास वाकई नहीं लिखे हुए, ऐसा करें इसको 35-40 कर लेते हैं हम दोनों। 40 कर लेते हैं, आप कर ले, मैंने जो बताया वो मेरा तो वो बस सही। 30 कर ले, 30 कर ले, जो मुइन भाई कह रहे हैं, हम दोनों साथ खेल रहे हैं, 30 कर ले। हाँ भाई इमाद 40% पे जाते हैं। 40% ठीक, देखा ना, वो ले गया, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं है रिजल्ट वैसे। 40% आपको आंसर नहीं पता, इसलिए जरा करें भाई लोग, चले भाई स्टार्ट करें। हाँ मैंने मुइन भाई के साथ बोल दिया ना, मैं अच्छा हाँ मैं अलग खेल रहा हूँ ना, मेरे लगाओ 45। अच्छा मैं अलग खेल रहा हूँ, मैं जीत गया, मेरा 45 40, तो वो 100 पे जा रहा है। नहीं नहीं, नीचे आएगा आएगा आएगा, ये आएगा, ये हमारा 31 पे रुकेगा मुझे लगता है। 45 मैंने कह दिया, रोको भाई रोको, 57। रजी भाई वेल प्लेड, वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा खेला रजी भाई, 97 स्कोर लिया। लेग पीस तो सबको पसंद है यार, लेग पीस सबको पसंद, गलत सर्वे। अच्छा रजाक भाई ऐसा है, आयशा उमर फर्स्ट, मैं जीत गया, आप जीत, अभी 5 है ना, अभी रुके ना रुके, सही आईफोन दो। अच्छा अगला सवाल, कितने फीसद मर्दों को अपने दोस्तों से मिलने के लिए बीवी से इजाजत तलब करनी होती है? कितने फीसद मर्दों को, मैं पहले मुइन भाई से पूछूंगा, मुइन भाई इस वक्त एक सिचुएशन में भी फंसे हैं। मेरा ख्याल है ये हाई होगा, हाई रेट, हाई है, रेट हाई, इसका रेट हाई लगेगा, रेट हाई है बिल्कुल। 80% 80% मर्दों को अपनी बीवी से, दोस्तों से मिलने के लिए बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है, 80% मुइन भाई का इरादा। इमाद भाई हाय, मुइन भाई कह रहे हैं 79। मुइन भाई नहीं, अपना खेलना आईफोन का मामला है, अब उनके 75 पे इमाद को लॉक कीजिए। रजी भाई 30% आप नहीं लेते इजाजत, आप नहीं ले, आपको जरूरत नहीं पड़ती इजाजत लेने, 30% अपने इलाके की बात कर रहे हैं, अपने इलाके की 30% पे लॉक कीजिए और मुझे 65 दे दीजिए। अच्छा अलग खेल रहा हूँ भाई बिल्कुल। अच्छा खवातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा। खवातीन हज़रात वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय एमिरेट्स कोक जुबली इंश्योरेंस एंड रूल 777 न्यूज। हम खेल रहे हैं 500 की दौड़ अब्दुल रज़ाक के साथ, मुकाबला सकते हैं आईफोन प्रो मैक्स का, आज चला है मुइन खान और इमाद वसीम के दरमियान। मैंने भी अपना हिस्सा डाला भाई, मैं क्यों ना जीतूं यार, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं भाई 22 दिनों से। तो ऐसा है कि 65% पे मैं था, 80% पे मुइन भाई, 30% पे रजाक भाई और 75% पे इमाद वसीम। चेक करते हैं आवाम की राय क्या है, कितने परसेंट मर्दों को अपनी बेगमास से इजाजत लेनी पड़ती है दोस्तों के पास जाने के लिए। मुझे देखो जी 46% जीत गए आप, जीत गए आप रजाक भाई, मुइन भाई ये अगर वहां पहुंच गए ना जहां इनको नहीं पहुंचना चाहिए, मैं बता रहा हूं, मैं दिल पे ले लूंगा। 3 सवाल और रजाक भी अच्छे कर दें तो फिर। कितने फीसद लोग जमाई लेते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं? कितने फीसद लोग जमाई लेते हुए अजीब अजीब, जमाई मतलब यौन करते हुए अजीब अजीब करके निकालते हैं लोग, वो कितने फीसद लोग जमाई लेते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं?
मैं इमाद से पहले पूछूंगा। 40% 40% इमाद ने कहा, 40% रजाक भाई 10% लोग अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। 10% पे इमाद भाई को, रजाक भाई को लॉक कीजिए, इमाद को लॉक कीजिएगा। 40% पे मैं पहुंचूंगा मुईन खान के पास। मुईन भाई 25% 25% पे मुईन भाई को लॉक कीजिएगा और मैं खेलूंगा 30% के ऊपर। बिल्कुल खराब खेल रहा हूं मैं, 30% मुझे लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आवाम की राय। मुईन भाई मुझे लगता है लोग आवाजें कम निकालते हैं इसके अंदर, इसीलिए थोड़ा सा लो रखा है, कोशिश यही की है। रजाक भाई लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब सबसे अलग। इमाद का क्या है? इमाद ने 40% का, सबसे ऊपर है 38%। अभी बाहर गए थे ना, मैंने क्या कहा था, मैंने 30% कहा था, लेकिन इमाद जीत गया। नहीं नहीं मुईन भाई, आज मैंने आपको बताया, आज बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं लड़के। हाँ, लड़के बाहर भी गुस्सा। इंग्लैंड में पैदा हुए, इस्लामाबाद में बड़े हुए, तब भी आवाजें सबसे ज्यादा इन्होंने सुनी, जमाई लेते। अगला सवाल, कितने फीसद लोग टेप बॉल क्रिकेट में एक्चुअल विकेट रखते हैं? ये होता ना वो, हम तो ईंट रख दी, क्रेट रख दी, चप्पल रख दी, दो तो कितने फीसद लोग टेप बॉल क्रिकेट में एक्चुअल विकेट रखते हैं, असली विकेट रखते हैं? इमाद वसीम तो कम होगा, असली विकेट तो बहुत कम लगता है। आज तो 3% आज से ज्यादा, आज से ज्यादा 20% पे इमाद को लॉक कीजिएगा। सबसे ज्यादा क्रिएटिव क्या विकेट रखी इमाद आपने, क्या क्या चीजें इस्तेमाल? ईंटें रखी ना। अच्छा, ईंटें भी मोहल्ले में टेढ़ी मेढ़ी मिलती थी, तो उनको संभालने के लिए 2-3 पत्थर भी एडजस्ट करने होते थे। हम लोग जो हमारा टाइम था, हमारे टाइम पे ये होता था, जो घर में टूटी फूटी कुर्सी होती ना, कुर्सी ला के रख देते। अच्छा, हमारे मोहल्ले में ना एक किसी की दादी की वो रखी हुई थी, वो जो वो नहीं होती टॉयलेट सीट नहीं होती बुजुर्गों की, वो रखी होती थी। मैं 15 कर लूं उसको, कोई मसला तो मैं भी करवाता हूं। पहले रजाक भाई की राय ले लूं। 60% लोग असली विकेट रखते, क्या हो गया, बहुत दूर से आए। बहुत इमाद का 15 कर दीजिएगा और 60% रजाक भाई का कर दीजिएगा। भाई रोड क्रिकेट होती है, उसमें तो विकेट ठुकेंगे ही नहीं रजाक भाई। 60% वो इतने कॉन्फिडेंस में है तो कर दो भाई, तो नहीं हो गया। हां, हमारे थोड़ी 2 ओवर फंसे हुए आज तक। एक ओवर। मुईन भाई कितने आपने, कितना का 20% का आपने? हां मैंने 25% मुईन भाई को लॉक कीजिएगा और मुझे कर दो 10 कर दो बस। जब मैंने खुद अपनी आंखों से ये काम होते देखा ही नहीं, तो मैं इसकी क्या गवाही दूं? 20 था, मैंने 15 कर दिया। चलो भाई 25 पे मुईन भाई को मुझे 10 पे रोकना, चेक कराओ भाई। अब मुईन भाई ये कम होगी, 60% रजाक भाई अब ज्यादा कह गया, देख लें, क्रिकेट ज्यादा हो गई है। रजाक सर पे दूसरी साइड का ना, सर पे दूसरी साइड कच्ची जमीन का, कच्ची जमीन दिखाओ भाई, दिखाओ वो देखो। बस भाई Well done, Razi. क्या हो गया, क्या हो गया? एक सेकंड भाई पीछे से आवाज आई, पीछे से क्या गलत गया? 40 क्या है कह रहे हो? गलत हो गया था, गलत लॉक हो गया था। 49 नहीं नहीं क्या परसेंट आया? अभी आएगा वो, कह रहे थे गलती से लॉक हो गया था। 40% है, 40% है। 15 और 20 मुईन भाई आप जीत गए। अच्छा मुईन भाई, ये राउंड आप जीत गए, मुबारक। अगला सवाल और ये आखिरी सवाल है, बच गई लीडर बोर्ड, बच गया। कितने फीसद खवातीन नाराज हो तो जान के खाने में नमक ऊपर नीचे कर देती हैं? इमाम भाई, मुईन भाई, मुईन भाई, खाने में नमक ऊपर नीचे? भाई किचन में जाए तो नमक ऊपर नीचे होगा। मैं बता दूं, 16 पॉइंट का फर्क है आप में और इमाम में, लीड कौन कर रहा है ये नहीं बताऊंगा, एहतियात से खेलना है। हाँ कितने पर? अच्छा दोबारा सवाल रिपीट करें हम जल्दी। कितने फीसद खवातीन नाराज हो तो खाने में जानबूझकर नमक कम ज्यादा कर देती हैं? आप तो हिंट ले सकते हैं डायरेक्ट। 15% इतना एक्चुअल आंसर पता है आपको। 15% में लॉक कीजिए मुईन खान को। मैं पहुंचूंगा रजाक भाई के पास। 5% पे लॉक कीजिएगा अब्दुल रजाक। इमाद 95% 20% पे इमाद को लॉक कीजिएगा। मुझे नहीं लगता बेगमाद ऐसा काम करती होंगी, मैं कहूंगा 40% लगेगा मुझे। 40% कह रहा हूँ मुईन भाई। चलो भाई इस एक फैसले पे ना वो जो 16% की लीड थी वो ऊपर नीचे हो चुकी है अब। अच्छा, पीछे से आवाजें आ रही है। ठीक है खवातीन हजरात, और 13% कौन जीता भाई? अभी पता चलेगा, पता चलेगा। रजाक भाई आप नहीं जीते, मुईन भाई जीते। राउंड ब्रेक के बाद लेंगे, चलें ठीक है।
खातिन हज़रात, अब वो मोमेंट वाकई आ चुका है, फाइनल एपिसोड है और आगे कर भी नहीं सकते इस गेम को मजीद, तो आप ब्रेक पे जाइए, वापस आइए, जश्न क्रिकेट नहीं, हाँ जा रहा है, आज चला जाएगा, जल्दी आइए। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। वो वक्त आ चुका है कि अब हम अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स के विनर का अनाउंसमेंट करें। मुइन भाई, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आप दोनों में से किसने आईफोन 14 प्रो में, बोला भी नहीं जा रहा इतना महंगा फोन है, कि कौन जीता है, हम लीडर बोर्ड देखेंगे और आप देखेंगे रजाक भाई कि आप फर्स्ट नहीं आए और फर्स्ट कौन आया है, ये आप देखेंगे, देखें दिखाइए भाई। रजाक उमर, ओ हो, ऑब्वियस, हमें टॉप 8 में जगह बना ली, टॉप 8 में जगह, हमें तो पता था, हमें तो पता था, इस रिजल्ट का तो हमें पता था, मैंने बनाई टॉप 8 में जगह। अरे यार मैं भी टॉप 8 में हूं, 404 है। आकिब जावेद ने भी कमबैक किया ना, आकिब जावेद तो आगे थे 442। आप ये देखिए मीन भाई, आयशा उमर कितना आप अच्छा खेली पूरे टूर्नामेंट, 475 है रजाक भाई स्कोर, आयशा उमर को जानते हैं, पोटेंशियल है बड़ियों के, बड़ा अच्छा प्लेयर बने, बन जाएंगे, बहुत अच्छे प्लेयर रजाक भाई तो माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है, वो सीवी पे जो तस्वीर लगती है ना वो वाली निकाल के लगाई है, ये मेरा ख्याल है इनिशियल करियर की फौजी। अच्छा मुइन भाई, आयशा उमर की जिक्र खैर होता रहा पूरे जश्न क्रिकेट में, तो एक कंपाइलेशन उसकी भी बनाई हुई है, आइए देखते हैं आयशा उमर का कितना जिक्र हुआ जश्न क्रिकेट। ये कौन, आयशा उमर 475 आउट ऑफ 500, और हारून रशीद द शो से कोई शिकायत, शो से अभी तक तो नहीं, बस एक जो पर्चा आउट होता उसी की शिकायत है, मैं इसीलिए पूछा आपसे कि आप उसको बार बार रीइंफोर्स करते हैं। फिर बताता चलूं कि आयशा उमर 475 नंबर्स लेके लीड कर रही हैं और बाकी का आप देख लें सामान साथ। ये एपिसोड तो हमें याद है, ये एपिसोड आपको याद होगी मुइन भाई, आज तक जो है आयशा उमर लीड कर रही है, आप वो वक्त आ चुका है कि आप इनके शक व शुबा दूर करें और इसमें लीडर बोर्ड पे फर्स्ट अव्वल नंबर पे आ जाए। अगर आप मुझे थोड़ी सी चीटिंग कराते जो आपने उनको कराई थी तो मैं 500 क्रॉस कर चुकी। आयशा उमर अगर मेरी आवाज सुन रही है, आयशा उमर आप देख रही हैं, अमर खान, इमाद वसीम, मुइन खान ना सिर्फ मुझ पे बल्कि आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा नाम ठीक है नताशा है, अगर आयशा होता तो पर्चा आउट हो जाता। खातिर हजरात, ये जो स्कीमें बनाई जा रही है मेरे खिलाफ, आप देख रहे हैं, तंग किया जा रहा है मुझे, एक नए अपकमिंग आर्टिस्ट। आयशा उमर इस वक्त पहले नंबर पे 475 नंबर, क्या तारीखी गेम खेला, दूसरे नंबर है मौजूद, अभी तक नंबर वन है आयशा। मुइन भाई अपनी सफाई में कह दूं, जाता जाता आदमी झूठ नहीं बोलता, जाता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, मतलब हम लोग अभी शो से जा रहे हैं ना, खत्म हो रहा है। अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स हमारे मेहमान खुसूसी अब्दुल रजाक के हाथों आपको दिलवाऊं। तो खवातीन हजरात, मुझे नहीं पता कौन जीते हैं, आइए देखते हैं कि मुइन खान वर्सेस इमाद वसीम में कौन जीता। 7-9-3-2-5 आज का सही है, कल वाला जरा वो नहीं, वो तो हमने कल मजाक किया था, आज का सही है भाई, ले आओ भाई, ले आओ भाई, ले आओ, वेल डन, गाना चलाओ भाई, गाना चलाओ। ऐसा है कि शो में हमने 22 दिन बहुत एंजॉय किया, कई जुमले निकले, अब इसको कहते हैं कि जश्न क्रिकेट की मैच समरी का वक्त आ चुका है कि जश्न क्रिकेट की मैच समरी को देखा जाए, इमाद की सांसें बहाल हो जाएं पहले। मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन ही लेनी है आप, प्रेजेंटेशन से मैं लूंगा ना, आखिर में लूंगा। देखते हैं जश्न क्रिकेट की मैच समरी। स्पोर्ट्स खेलती हैं, थोड़ी सी हॉकी भी खेली हुई है, हॉकी छोटी थी या पीरियड छोटा था, थोड़ा पीरियड छोटा था। फिर कराची एक्सप्रेस किसे कहते हैं आपको? नहीं, पर ट्रेन को कहते हैं, प्लेयर को पहचानी कौन है? चश्मे से पड़ोसी लग रहा है ये। जी जी, ये अंजलि शर्मा से मिल रहे हैं। बिल्कुल यार, एक बात बताओ यार, मैं जब तुम्हारे शो में आऊँ बाथरूम क्यों आएगा? ये आपको सोचना है यार, मैंने क्यों सोचना है? कितने फीसद लोग वॉशरूम में फोन यूज करते हैं? 50। क्लिंटन जो थे वो बाथरूम में एक किताब और एक डायरी रखते थे और पेन रखते, उनकी भी दिमाग में सहवाज आते। कितने फीसद लोग सुबह उठने के बाद मुंह धोने से पहले मोबाइल चेक करते हैं? बेगम मेरी कहती है मुंह धोने से पहले ही करता हूँ, बेगम पहले ही चेक कर लेती हैं। क्या मुंह धोने? कितने फीसद लोग नाक को जुबान से छू सकते हैं?
होना इतना ही चाहिए। ये हमारी जो शोबिज की टीम है इस पे जगह बनाना इतना आसान काम है। मुझे सोना नहीं है टीम में, मुझे क्रिकेट खेलने की जगह क्यों बनाऊंगा। ये क्या मीम है, ये हमारी टीम। आप करते हैं अपनी बेगम के साथ क्रिकेट देखना पसंद? नहीं, वो नहीं करती। वो भी नहीं, वो भी ये भाभी जरा आप जरा बाहर जाए। ये इसको तुम चांस में लेकर। आपको पता है भाई पाकिस्तान में अभी टॉप ड्रामा कौन सा चल रहा है, पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता है क्या? फास्टेस्ट सेंचुरी ओडीआई में किसने बनाई? एबीसीडी आपको आती है? वेरी गुड भाई, आप तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही डाल दो साउथ अफ्रीका के चहीते। आखिर भाई आप इसे फूक मार दे यहाँ पे, फूक मार दे, फूक करें। मेरी साल गिरा है, बोलो बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू खान साहब के साथ। ये भी जश्न क्रिकेट की ब्यूटीफुल मेमोरीज। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, आंसू पोंछने के लिए जल्दी आइए वापस, जश्न क्रिकेट जाने वाला। वेलकम बैक खवातीन हजरात, जश्न क्रिकेट के आखिरी लम्हात। मेरे साथ मौजूद मुइन खान, इमाद वसीम, अब्दुल रजाक। कैसा मैच किया ये मुइन भाई, हाथ के हाथ। तो ऐसा है मुइन भाई कि अब वक्त आ चुका है कि इस मैट फंड को ठिकाने लगाया जाए। इसका ब्रेक डाउन बता दूं कि आज के हजार हजार डालने के बाद, क्योंकि हम सबने पाकिस्तान, आपके अलावा सबने पाकिस्तान प्रेडिक्ट किया था, तो मेरे हजार रुपए इसमें ये जा रहे हैं। इमाद से मैं भी हजार रुपए लूंगा। गेस्ट आए हुए हैं रजाक भाई, जो अपनी खुशी से खुद हजार रुपए डालेंगे। हमने ना इन्हें दिए ना इनको कहा। मैं यहां से बढ़ूंगा। आइए भाई, आइए रजाक भाई, आपने मुबारक हाथों से। पहली दफा हुआ है इन्होंने कैश पेमेंट किया, वरना कार्ड से करते हैं, वरना लिखवा भी देते ना अक्सर। मेरा लिख लेना। ये होता है ना। अच्छा भाई ऐसे है कि मुइन भाई जल्दी जल्दी बताऊंगा कि इसमें अब 46,000 हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर कॉज 92 कर दे जी। नहीं, आपने कहा था कॉज अच्छा होगा, कॉज अच्छा होगा। अगर तो मैंने 12,000 रुपए आज तक इसमें डाले। मुइन भाई आपने 10,000 रुपए, इमाद ने 10,000 रुपए, और जो गेस्ट है फी सबिल्ला 14,000 रुपए का फंड इसमें डाला है। अब मैं ऐलान करना चाह रहा हूँ खवातीन हजरात के हमारे प्रोडक्शन टीम में एक बहुत ही अच्छे साहब है, मुनव्वर भाई, जो बहुत मशहूर भी हैं, डीओपी हरदिल अजीज भी हैं। हमने ये फंड उनके वलीमे के लिए मुइन भाई मुख्तस कर, अब इसको आप डबल करेंगे। डबल मैं ट्रिपल कर दूं, वो खुद कर लेंगे। अच्छा, वो कर लेंगे। आप एक बार उनका वलीमा करा दें। ठीक, डन हो सब कर ले, डन हो गया। ठीक है, मुनव्वर भाई उनको पेश किया जाएगा या नहीं? वो तकनीकी वजूहात, कमजोरी की बुनियाद पर स्टेज पे नहीं चढ़ता है। चलो, अच्छा जो हमारा वक्त कम है, हम लास्ट जो है ना कहते हैं वो डिपार्टिंग कमेंट्स लेंगे। मुइन भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। जश्न क्रिकेट 22 दिन का सफर, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, वेल आई थिंक कुछ लाइनों में आउटस्टैंडिंग शो। ऐसा क्रिकेट का शो लाइक जहां क्रिकेट की बात भी हो और लोगों को एंटरटेन भी किया जाए, आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड रियली एंजॉयड इट एंड फील वेरी लकी आपके साथ। आपके साथ पहले भी एक शो किया हुआ, लेकिन आई रियली लाइक यू एज अ जेन्युइनली अ गुड, यानी यंग जनरेशन के बहुत अच्छे होस्ट हैं माशाल्लाह, एंड वर्किंग अगर आप नाम फर्स्ट टाइम विद इमाद, मेरा नाम अगर आप ठीक बोल दें एक बार आज। यार मैं तो आपको बोलता हूँ दानिश, इसलिए बोलता हूँ कि आप दानिश है। दानिश का मतलब पता है आपको? जी, अकल वाला। तो अकल वाले हैं ना, इसलिए तो बोलता हूँ दानिश में आपको, आप पता नहीं क्यों। इमाद फैंटास्टिक शो, फर्स्ट टाइम था मेरा किसी भी शो पे इस तरह आना और अपने एनालिसिस देना, और ऊपर से हमने जितने भी गेस्ट बुलाए और जिस तरह हमने इन्जॉय किया इसमें, ज़बरदस्त था। मुइन भाई के साथ, आके भाई के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, आपके साथ काम करके, और जियो को और आपकी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में मुझे, अगली दफा आप टीम में होंगे इंशाअल्लाह। जियो का शुक्रिया मैं अदा करूंगा, मेरा तो अभी पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था, आपने ले लिया। जितनी आपने दुआएं की हैं, जितनी आपने दुआएं की हैं, मेरी तो सेलिब्रेशन भी अभी यही है। उसका देखेंगे, उसका देखेंगे। रजाक भाई आप वर्ल्ड कप को समराइज करें, कैसा रहा वर्ल्ड कप? डू यू सी इट एज अ पॉजिटिव यू नो आउटकम फॉर पाकिस्तान के हम सेमीफाइनल तक पहुंचे? देखिए लक रही पाकिस्तान के साथ, और हमें जो इंडिया वाला मैच था वो जीतना चाहिए था। हाँ। और जिम्बाब्वे वाले मैच में हम हारे, उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका अगर बीट कर दी नेदरलैंड को तो पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर पाता। लक हमारे साथ थी पर हमने एडवांटेज नहीं लिया, और हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से फिनिश करना चाहिए था। वो आज काफ़ी अंडर प्रेशर नज़र आई चीज़ें, ऐसा तो है।
खातिन आज़ाद, अब वक्त ख़त्म हो चुका है जश्न क्रिकेट का। मैंने इन 22 दिनों में अपने हीरोज़ के साथ ये दिन गुजारे। मुईन भाई, इमाद वसीम दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। मुईन भाई आपको तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, इमाद आपको अपनी, हम दोनों एक साथ बचपन गुजार चुके नहीं मतलब हम दोनों इनको बचपन से देखते आ रहे हैं। व्हाट एन ऑनर फॉर मी, दे आर ट्रू टीम, इन्होंने मुझे बड़ा किया इस शो में बिठा के। मगर रिवायत के मुताबिक खातिन आज़ाद ऐसा हो नहीं सकता कि शो ख़त्म हो रहा हो कि हम इमाद की दुआ ना करें, मगर आज मैं नहीं करूंगा। आज हम देखेंगे हमने 22 दिन कितनी दुआ की है इमाद के लिए। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए, अल्लाह ताला इमाद वसीम को अगला वर्ल्ड कप खिलाए, आमीन सुमा अल्लाह मियां। अगला वर्ल्ड कप में इमाद मौजूद हो, इमाद की दुआ कि अल्लाह मियां अल्लाह करे इमाद अगला वर्ल्ड कप खेले इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। और उठ जाते हैं, या अल्लाह इमाद वसीम को, इमाद वसीम जो हसीन भी है, उनको अगले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा बना और उस टीम को वर्ल्ड कप खिला, फाइनल में पहुंचा, आमीन सुमा आमीन। हाथ उठा लीजिए अल्लाह मियां इमाद को अगले साल वर्ल्ड कप और इस साल शोबिज 11 यानी सेलिब्रिटी 11 में जगह आता फरमा, आमीन। सब पूरी आवाम की तरफ से आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी दुआ इमाद, दुआ ऐसी है कि अगले साल इंशाल्लाह इमाद वसीम वर्ल्ड कप खेले, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। वर्ल्ड कप हो इस अगले साल है, इमाद की दुआ का वक्त हुआ जाता है। अल्लाह मियां अगले वर्ल्ड कप में इमाद को खिलाए और ये वर्ल्ड कप आपको जिताए, आमीन सुब आमीन। अल्लाह मियां अगला वर्ल्ड कप इमाद को जरूर खिलाए। इसकी एक वजह यह भी है कि नया पैनलिस्ट हायर हो चुका है, इमाद वसीम अगले साल ही वर्ल्ड कप खेल लें, आमीन सुमे आमीन। अल्लाह मियां अगला वर्ल्ड कप हो, पहली बात तो ये हो, दूसरी बात ये कि उसमें इमाद वसीम भी हो, और तीसरी बात ये पाकिस्तान की टीम में हो, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की वीजी भी लगवाने के चक्कर में है। खातिन आज़ाद हाथ उठा लीजिए, खातिन आज़ाद। और देखिए आप पूरे कंपाइलेशन में एक बार इमाद ने हाथ उठाया, इमाद आज आप भी हाथ उठा लीजिए, रज़ाक भाई हाथ उठाना पड़ेगा। अल्लाह मियां अगली बार वर्ल्ड कप, पता लग गया है बाल खोल के आया, जरूरी है अगली बार हमें वर्ल्ड कप में पहुंचाइएगा, इज्जत से फाइनल खिलाइएगा और इमाद को उस टीम का हिस्सा बनाइएगा और खातिन जिताइएगा, आमीन सुमे आमीन। अब मैं ऐसा है कि ये दोनों से जान छूट रही, मुईन भाई भी जा रहे हैं, इमाद भी जा रहे हैं, मगर मैं हफ्ता जुमा हफ्ता वापस अपनी रेगुलर दिहाड़ी पे आ रहा हूँ। आप देखेंगे मुझे हंसना है मनाए में, और अब हंसना मना एकदम नया हो के आ रहा है भाई, बिल्कुल नया हो के आ रहा है। तो इंतजार कीजिएगा हंसना मनाए का। खातिन आज़ाद गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।